हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना की दुनिया। और आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, और अब हम इसमें डालेंगे पनीर के पीसेस। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम्स पनीर लिया है और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो पनीर फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने जो पनीर है उसे निकाल लिया है प्लेट पर, और अब हम इसी ऑयल में डालेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 2 शिमला मिर्च लिया है, जिसे मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है, और अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे 2 मिनट हुए हैं और शिमला मिर्च फ्राई हो गया है, तब हम इसे भी एक प्लेट पर निकाल लेंगे। और अब हम कढ़ाई पनीर के लिए ग्रेवी रेडी कर लेंगे। तो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची, 6 से 7 काली मिर्च, 4 लौंग, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेज़पत्ता, और अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, और हम प्याज को भून लेंगे। तो याद रहे कि प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, तो इस तरह प्याज को भून लें। और ये देखिए, ये जो प्याज है 2 मिनट हुआ है और ये भून गया है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप जिंजर गार्लिक, और अब इसे भी हम भून लेंगे ताकि जो जिंजर गार्लिक का कच्चापन है वो निकल जाए। और अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और अब हम इन सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो मसाले जो है वो अच्छे से भून गए हैं, तो अब हम यहाँ पर डालेंगे दही। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3 टेबलस्पून दही, और जैसे ही हम दही डालेंगे वैसे ही हम फटाफट से इसे चलाएंगे, नहीं तो यहाँ पर दही जो है वो फट जाएगी। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी दही मसाले में डालें तो आप उसे फटाफट से चलाएं। तो इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पर इसे चला रही हूँ। तो ये देखिए कि मसाला जो है कढ़ाई पनीर का वो कितनी अच्छे से भुन गया है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे शिमला मिर्च, जो कि हमने ऑलरेडी पहले फ्राई करके रखा था, और इसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे पनीर जो हमने पहले फ्राई किया था। और अब हम इन दोनों को 1 से 2 मिनट के लिए इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो सारे मसाले हैं वो पनीर और शिमला मिर्च में मिक्स हो जाएँ। और यहाँ पर जो पनीर है वो मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 ग्लास पानी, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, ताकि जो पनीर है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए पनीर जो है वो सॉफ्ट हो गया है, और देखिए कढ़ाई पनीर में कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, यानी कि धनिया की पत्ती, और इसे हम मिक्स कर लेंगे, और फिर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे।
और यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कढ़ाई पनीर जो है वो बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कढ़ाई पनीर की रेसिपी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो रेसिपी बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको। तो फिर आप वहां से लें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।